मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल केडी कृष्णा। आज मैं बात करने वाली हूँ मॉनसून में अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें। तो आप वीडियो को पूरा देखना, तभी पता चलेगा कि हमें किस किस चीज़ों पर ध्यान देना है। तो अभी दोस्तों गर्मियां चल रही हैं और मानसून आने वाला है, और मानसून के टाइम बच्चों का ध्यान कैसे रखें, किस चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए जिससे बच्चे मानसून में सुरक्षित रहें, तो उस बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। अभी गर्मियां चल रही हैं और गर्मियों के बाद जब मानसून आता है तो सबको बहुत ही अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं रेनी सीजन को। बट मानसून जो होता है वो अपने साथ कई सारी बीमारियां भी लाता है जो कि बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है। और वो उस टाइम पे मतलब मानसून के टाइम पे जैसे बैक्टीरिया से रिलेटेड बीमारियाँ जो होती हैं, या वायरस फ्लूज या मॉस्किटो, ये सब से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है या बच्चों में इन्फेक्शन कहें, वो उसका खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मानसून के टाइम पे बीमारियों से बचने के लिए, बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और किस किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो फर्स्ट जो आता है वो है क्लोथिंग। तो रेनी सीजन में हमें बच्चों को कॉटन फैब्रिक का ही ड्रेस पहनाना चाहिए, अच्छा रहता है और लूज हो, कंफर्टेबल हो बच्चे के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि फुल स्लीव्स का ड्रेस पहनाएं, उससे अच्छा रहता है कि मॉस्किटो वगैरह के बच्चे बचे रहते हैं। और फुटवेयर तीसरा है, क्योंकि फुटवेयर का हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है मानसून में। ओपन जो भी सैंडल्स होते हैं वो पहनाएं, जिससे कि फिट जो हो वो ड्राई रहे। और अगर शूज़ पहना रहे हैं तो शूज़ को पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि इंसेक्ट वगैरह शूज़ में छुप जाते हैं, तो वो चीज़ें आप ध्यान देके ही बच्चे को पहनाएं। और अब बात करते हैं हमें वाटर किस तरीके से देना चाहिए बच्चों को। तो कोशिश करें कि वाटर को आप बॉयल कर ले और नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, तब उसे आप बच्चे को दीजिए। इससे क्या होता है कि वाटर से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन होते हैं वो बच्चों को नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं फूड का। तो फूड में हमें यही ध्यान देना है कि बच्चों को जो भी हम खाना खिलाते हैं वो ताज़ा हो, मतलब फ्रेश बनाएं और फ्रेश ही खिलाएं, बासी ना दें। और अगर फ्रूट्स वगैरह दे रहे हैं तो उसे भी आप कोशिश करें कि कुछ देर पानी में नमक या हल्दी डाल के और फ्रूट्स को डाल दें, थोड़ी देर तक उसे रखें, उसके बाद आप उसे बच्चे को दे सकते हैं, अच्छा रहेगा। इसके अलावा फूड में बच्चों को फ्रेश जूस दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों को बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी, जिससे कि डायरिया वगैरह से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारी चीज़ें से बच्चे बचे रहेंगे। अब बात करते हैं हाइजीन की। तो हाइजीन में हमें अपने घर की साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना होता है मानसून टाइम, क्योंकि मॉस्किटो से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो क्लीनिंग पे हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा, बच्चों का नेल्स कट रखें, उसके हैंड वॉश ज़्यादा कराएं। आजकल जिस तरीके से चल रहा है हमें हैंड वॉश सबको करना चाहिए, अच्छा रहेगा। और बाथिंग भी दें, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं मौसम बारिश का है तो बाथिंग नहीं भी कराएंगे तो चलेगा, बट ऐसा नहीं है, बाथिंग भी कराएं। बच्चों का टॉवल को ड्राई रखें, अगर धूप नहीं है तो आप फैन में उसे फ़ैन चला के उसे डाल दीजिए, सूख जाएगा वो। तो ये सारी हाइजीन हमें मेंटेन करना चाहिए। अब बात करते हैं स्किन केयर की। तो सबसे पहला यही आता है कि हमें बच्चों को मॉनसून के टाइम पे भी सनस्क्रीन अप्लाई करना है। वैसे तो हम समर सीजन में अप्लाई करते हैं, बट मॉनसून आते ही हमें मतलब मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन दोनों में से एक सेलेक्ट करना होता है। तो आप देख लो, अगर मौसम ज़्यादा ठंडा है देन आप मॉइस्चराइजर यूज़ करो, अदरवाइज आप सनस्क्रीन लगाओ, अच्छा रहेगा। दूसरा है बेबी मसाज। तो अगर मौसम ज़्यादा ठंडा लगता है तो आप कोकोनट ऑयल से मसाज करें, क्योंकि उस टाइम का मौसम थोड़ा ह्यूमिड रहता है ना, तो कोकोनट ऑयल बेस्ट है मानसून के लिए मसाज करने के लिए। और अगर बेबी को कोल्ड हो गया है तो आप उस केस में सरसों तेल यूज़ करिए, अच्छा रहेगा। अजवाइन और लहसुन डाल के हल्का गर्म कर ले, फिर उसे हल्का गुनगुना हो तो बच्चे को अप्लाई करें, उससे फ़ायदा होता है। इस तरीके से मालिश करने से बच्चों को सर्दी जुकाम नहीं होता है, ये एक घरेलू नुस्खा है जो कि हम बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि सर्दी जुकाम ना हो। सर्दी जुकाम या फीवर है या आपको लग रहा है डायरिया है, तो उस टाइम आप बच्चे को डॉक्टर से ज़रूर दिखा लें, डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, उसके बाद ही कुछ करें। अच्छा, वीडियो अगर यूज़फुल लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।